बांका में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन के आखिरी दिन लोजपा प्रत्याशी मृणाल शेखर ने अपना नामांकन करवा लिया है। वही नामांकन कराने के पहले मृणाल शेखर ने अहले सुबह अपने आवास पर पूजा अर्चना किया। इसके बाद वह नामांकन कराने के लिए समरनाले परिसर पहुंचे। नामांकन कराने के उपरांत उन्होंने पत्रकारों से बात करने के क्रम में कहा कि कुछ लोग उन्हें पीएम मोदी का फोटो लगाने से मना कर रहे हैं, लेकिन पीएम मोदी तो उनके दिल में बसते हैं, इसलिए भला किसी की क्या औकात जो उनके दिल से पीएम को हटा सकते हैं। मृणाल शेखर ने कहा कि लोजपा वैचारिक रूप से पीएम मोदी के साथ है और चुनाव जीतने के बाद वह पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने जदयू उम्मीदवार जयंत राज पर कटाक्ष करते हुए कहा कि अमरपुर में लोकतंत्र है ना कि राजतंत्र। उन्होंने कहा कि अमरपुर कुछ नाकाम जनप्रतिनिधियों के कारण पिछड़ा हुआ है। मृणाल शेखर ने चुनाव में भारी मतों से जीतने का दावा करते हुए कहा कि अमरपुर अब बहुत ही जल्द विकसित होने वाला है। पार्टी से बगावत ऐसा तो नहीं है, ये सीट भाजपा की हुई नहीं और मेरे पास कोई विकल्प नहीं था, क्योंकि जो काम लगातार कार्यकर्ताओं ने वहां के लोगों ने, मैं पटना में था जब सूचना आई कि ये सीट भाजपा के कोटे में नहीं आ पाई है, तो उस समय तो बहुत पीड़ा नहीं हुई, लेकिन जब पीड़ा उस समय हुई, जब पता चला कि आज भी अमरपुर विधानसभा में राजतंत्र ही है, उस समय बहुत पीड़ा हुई और हजारों लोगों ने, वहाँ के मेरे बहुत सारे युवा साथियों ने, वहाँ के किसान भाइयों ने, नौजवानों ने, काफ़ी मैं बता नहीं सकता, खिलाड़ियों ने जब मुझे फ़ोन कर कर के कहा कि भैया आपको आना ही होगा, तो फिर मुझे मेरा संकल्प याद आने लगा कि मेरा संकल्प क्या है, मेरे साथ जो सैकड़ों हजारों युवाओं ने संकल्प लिया वो क्या, उन सारे युवाओं ने यही तो संकल्प लिया कि हमारा ये संकल्प है अमरपुर का कायाकल्प, तो हम अमरपुर के कायाकल्प के संकल्प के साथ काम करने के लिए आए हैं, हम किसी पद के लिए नहीं आए। पद के लिए आना होता तो फिर बहुत सारी ऐसी चीजें थी, लेकिन जो परिस्थितियां पैदा हुई उस परिस्थिति में एकमात्र मार्ग यही था वहाँ के लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए, वहाँ के लोगों की भावनाओं के सम्मान के लिए एकमात्र मेरे पास यही रास्ता था कि मैं इस मार्ग के साथ आऊँ, क्योंकि मेरे सामने जो प्रतिद्वंदी हैं प्रमुख, तो एक तो वो इस विधानसभा के नहीं है और ये लोग चाहते हैं कि बहुत हो गया अमरपुर के साथ छल, शंभुगंज के साथ धोखा, जो भी काफ़ी बरसों से वहाँ के लोगों के चेहरे सूखे हुए हैं, किसानों के चेहरे मुरझाए हुए हैं, युवाओं के अंदर का जो हौसला है वो दिन प्रतिदिन जनप्रतिनिधियों के द्वारा गिराया जा रहा है और इस बार तो हद हो गई। ये राजतंत्र है क्या? ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में कहीं से भी ये स्वीकार्य नहीं है, और इसके लिए मुझे आगे बढ़ना पड़ा और बहुत सारे दिल में जो दर्द है, पीड़ा है, उसको दबाते हुए भी मुझे आगे बढ़कर मुझे लगा कि आखिर कौन आवाज बनेगा, कैसे उनके दिल में जो भाव है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाएगा, इसलिए मैंने ये कदम उठाया और ये कदम कहीं से भी आपको जब 10 नवंबर को परिणाम आएंगे तो आपको लगेगा कि अमरपुर नया इतिहास रचने जा रहा है और जो वहाँ के युवा साथी हैं, वहाँ के जो लोग हैं, वही हमारी ताकत हैं। हम लोगों ने मेहनत नहीं की है, मेहनत की पराकाष्ठा की है, हम लोगों ने सिर्फ राजनीति को मेवा का माध्यम नहीं बनाया, हमने सेवा का मार्ग बनाया और इसलिए यहाँ के हर व्यक्ति का भरोसा है, विश्वास है हमारे ऊपर। मुझे पूरी उम्मीद है कि जो 10 नवंबर को अमरपुर का जब परिणाम आएगा तो उसकी गूंज सिर्फ बिहार में ही नहीं, दिल्ली में बैठे हुए लोगों को भी सुनाई पड़ेगी और एक बड़ी जीत होगी, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। वहाँ के लोगों के का, सारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मेरे साथ है,
युवा साथियों का स्नेह सानी समर्थन मेरे साथ है, और कहीं से भी ये जो एनडीए है, एनडीए ही है, कहीं से भी हम लोग अलग नहीं है, और एनडीए के रूप में ही केंद्र में हमारे जो नेता हैं आदरणीय चिराग पासवान जी, रामविलास पासवान जी, उनके भी नेता आदरणीय मोदी जी ही हैं, हमारे भी नेता आदर्श, मेरे आदर्श मेरे नेता मोदी जी ही हैं। बहुत सारे लोग, मैं देख रहा था कि कई लोग कह रहे थे कि भाई तस्वीर नहीं लगानी, तो तस्वीर तो लगाने से रोकी जा सकती है कि आप भाई उनके तस्वीर का उपयोग दीवार पर ना करें, उनके तस्वीर का प्रयोग आप अन्य जगहों पर नहीं करें, लेकिन देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझ जैसे हजारों लाखों करोड़ों लोगों के दिल में जो पोस्टर चिपकाई है उसको कोई कैसे हटा सकता, ये तस्वीर है। और महादेव के जो अवतार बजरंगबली थे तो उन्होंने तो सीना चीर कर दिखाया, लेकिन मैं तो सिर्फ महादेव का एक भक्त हूं, और मेरे यदि मैं मेरे अंदर वो शक्ति होती तो मैं अपना सीना चीर कर दिखाता कि मोदी कहां बसते हैं। इसलिए मोदी को कोई हटा नहीं सकता है, और मोदी ही इस देश की जरूरत है, आवश्यकता है, और मोदी के नाम का जो है उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय रामविलास पासवान जी आज अस्वस्थ हैं, उनके नाम पे वोट मांगेंगे क्यों नहीं मांगेंगे, वो प्रधानमंत्री हैं, वो सबके प्रधानमंत्री हैं, और वो जो अच्छा काम करते हैं तो हम क्यों नहीं, हम लोगों के बीच हम भी तो वही काम करेंगे। ऐसी ही खबरों के लिए करें SE24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।